हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे एक फिर न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ समय नहीं होने के कारण, लेकिन आपको आपसे डेली न्यू अपडेट के साथ वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जो चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, आज की इस टॉपिक है वीडियो में कि क्या क्या जियो एयर फाइबर में चेंजिंग हुई है, क्या प्लान्स हैं और कौन सा प्लान्स लेने के बाद हमें कौन कौन सा डिवाइस देखने को मिलता है, और कौन सा डिवाइस कहाँ पे इंस्टॉल होगा, कौन सा डिवाइस बाहर इंस्टॉल होगा, इसकी प्लान क्या है, बुकिंग कैसे करते हैं, ये सारे प्रोसेस की वीडियो इस वीडियो में हम देखेंगे। सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसे कैसे हम लोग इंस्टॉल करवा सकते हैं और इंस्टॉलेशन में हमें कितना समय देना पड़ता है, और इसका इंस्टॉलेशन होने के बाद सर्विस की क्या है, टाइम लिमिट है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग पूरा जानते हैं। पहले क्या था, हम लोग 100 रुपीज पेमेंट करके माई जियो में या जियो फाइबर डॉट कॉम में जाके 100 रुपीज पेमेंट करके हम लोग जियो एयर फाइबर का बुकिंग का रिक्वेस्ट डाल देते थे, और हम लोग कॉलिंग के लिए वेट करते रहते थे कि आज कॉल आएगा, कल कॉल आएगा, इंस्टॉलेशन के लिए हमें कॉल नहीं आ रहा। बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था हमारे वीडियो पे, पिछले वीडियो पे, कि हमने 100 रुपया पेमेंट कर दिया, अभी तक हमें कोई कॉल नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग सारे एरिया में जियो एयर फाइबर की सर्विस चालू हो चुकी है, रूरल एरिया में भी चालू हो गई है, सिटीज में भी चालू हो गई है। तो कैसे हम लोग इसे बुकिंग करते हैं, न्यू इसका बुकिंग का प्रोसेस क्या है, तो हम लोग चलेंगे जियो फाइबर के साइट पे और आपको दिखाते हैं बुकिंग का प्रोसेस। तो हम लोग चलेंगे गेट जियो फाइबर के ऑप्शन पे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमें बुक नाउ का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या है, मोबाइल नंबर अपना इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पिन कोड इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ इंस्टॉलेशन का एड्रेस फुलफिल करेंगे कि हम लोग का इंस्टॉलेशन कहाँ कराना है। तो हमें इंस्टॉलेशन का एड्रेस डाल देते हैं। इंस्टॉलेशन का एड्रेस डालने के बाद यहाँ फ्लैट नंबर पूछ रहा है, फ्लैट नंबर या फ्लोर नंबर, फ्लोर नंबर हम लोग डाल देते हैं कि फ्लोर कौन सा है, और यहाँ नाम डाल देते हैं हम लोग कि क्या नाम है हमारा। तो ये हम लोग डालने के बाद यहाँ हाउस नंबर डाल देते हैं, हाउस नंबर क्या है। अब इसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देख रहे हैं ये हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इससे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है जियो फाइबर एंड जियो एयर फाइबर अवेलेबल इन योर एरिया। तो यहाँ हमने दिखा रहा है कि हम लोग जियो फाइबर की भी सर्विस अवेलेबल है और जियो एयर फाइबर की भी सर्विस अवेलेबल है, तो आपको जो भी बुक करना है वो आप बुक कर सकते हैं। तो नीचे में देख रहे हैं बुक नाउ एट द रेट 1000, हमें 1000 रुपीज पेमेंट करके हमें इसे बुक करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, या तो यहाँ देख रहे पे जियो बुक, पे बुक जियो फाइबर और पे जियो बुक एयर फाइबर, दोनों में से आप जो भी सेलेक्ट करके इसे आप बुक कर सकते हैं। अगर आपके एरिया पे जियो फाइबर की सर्विस अवेलेबल है तो आप जियो एयर फाइबर का बुकिंग नहीं कर सकते हैं, जियो फाइबर बुक कीजिए, और जियो एयर फाइबर की सर्विस अगर चाहिए तो जियो एयर फाइबर। लेकिन अगर आपके घर के पास अगर जियो फाइबर की सर्विस अवेलेबल है तो आप जियो फाइबर ही लगाएं, कि इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज आपको 1000 रुपया नहीं देना पड़ता है, और एयर फाइबर में आपको 1000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग चलिए अभी हम लोग जियो एयर फाइबर की बुकिंग करेंगे। जियो एयर फाइबर में पे नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग गूगल पे फोन पे के माध्यम से यहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपका बुकिंग कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद आपको जियो फाइबर की तरफ से एक कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपका जो भी बचा हुआ अमाउंट जो पे करना है उसमें ये जो 1000 आपने पेमेंट किया है वो लेस करके, जैसे अगर आप जियो एयर फाइबर का 30 Mbps का प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 599 का प्लान है, 599, जिसमें टैक्स लेकर 18% GST लेकर 706 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है। तो 706 का अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको 30 Mbps डेटा मिल जाती है, 550 TV के लाइव चैनल्स मिल जाते हैं, और 13 OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन मिलती है जिसमें डाटा हमें 1000 GB ही देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है कि हमें 6 मंथ्स का एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, 6 मंथ रिचार्ज का पेमेंट, और 1000 रुपये हमें इंस्टॉलेशन चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। वही अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो 1 साल में आपको 8440 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, जो कि इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज आपका नहीं लगता है। तो अगर आप 599 का अगर प्लान लेते हैं 6 मंथ का, तो उसमें 5240 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। तो जिन्होंने पहले बुकिंग करवा लिया है, मतलब कि प्री बुकिंग मैंने जियो अपने माई जियो ऐप से किया या जियो फाइबर के साइट पे जाके 1000 का पेमेंट करके किया है, तो उस समय आपका ये 1000 रुपये रिडीम करके 4240 रुपये और पेमेंट करना पड़ेगा। तो और अगर 1 साल का अगर आप प्लान 8400 वाला लेते हैं
तो आपका 7400 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें जानते हैं हमें डिवाइस कौन कौन सा मिलता है और इसे कैसे इंस्टॉलेशन होता है, इसका प्रोसेस क्या है, कितने दिनों में इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो अगर आप माई जियो में जाके अगर विजिट करके आप 1000 का पेमेंट करते हैं तो आपका 24 से 48 घंटे के अंदर यह बुकिंग आपका कन्फर्म कर दिया जाएगा और कनेक्शन लगा दिया जाएगा। तो हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है, इसमें चार डिवाइस देखने को मिलता है, तो हम आपको चारों डिवाइस दिखा देते हैं। तो ये हमें जियो का सेट टॉप बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो ये जो पहले का आप जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स यूज कर रहे होंगे ये वही सेट टॉप बॉक्स है, ये हमें देखने को मिल जाता है एक प्लान पे। और ये हमारा है स्प्लिटर, मतलब कि जो आप कनेक्शन एयर फाइबर का ले रहे हैं, आप कहीं भी कोई भी एरिया पे अगर आप एयर फाइबर का कनेक्शन लगवा रहे हैं, अगर आपका उस एरिया में पहले से कनेक्शन लगा हुआ है, अगल बगल घर पे कनेक्शन लगा हुआ है, तो आपको आउटडोर यूनिट है वो नहीं मिलेगा, आपको उन्हीं के घर से एक कनेक्शन आपको इस स्प्लिटर के माध्यम से आपको मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट कस्टमर है उस एरिया का तो आपके घर पे ये स्प्लिटर लगाया जाएगा कहीं साइड एरिया पे, कि अगल बगल के घर पे आपके घर से कनेक्शन को दिया जा सके। और हमें ये मिल जाता है, हमारा ये आउटडोर यूनिट हमारा ये रहता है, तो इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। तो ये हमें आउटडोर यूनिट है नया वाला, इसको हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसे हम लास्ट में अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देंगे। और ये हमारा है जियो का राउटर, जो कि इसे होम गेटवे भी बोलते हैं, इसी से ये हमारा वाईफाई 6 राउटर है, 2.4 GHz और 5 GHz दोनों ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है इससे। ये हमारा सिंगल बैंड ही शो करता है लेकिन ये काम दोनों करता है, 2.4 5 GHz दोनों एक ही बैंड पे काम कर लेता है अच्छा से। तो और इसे हम दिखाते हैं आपको अनबॉक्सिंग करके, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है और ये छत पे कहाँ पे लगेगा, कितना आपका स्पेस लेगा, तो इसे हम लोग दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स इसमें हमें मिल जाता है मैनुअल बुक, ये हमारा न्यू वाला आउटडोर यूनिट है, पता नहीं आप लोगों के घर पे ये कौन सा आउटडोर यूनिट लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपका ऐसा वाला आउटडोर यूनिट लगा हुआ होगा तो। देख रहे इसका साइज काफी बड़ा है और ये बाकी आउटडोर यूनिट से बहुत काफी अच्छा वर्क कर रहा है अभी। तो ये हमारा है न्यू वाला आउटडोर यूनिट, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कौन सा आउटडोर यूनिट लगा हुआ है। और ये इसका है कैप है, वायर कैप, जिसे आपका बारिश में पानी उनी जाने से ये बचाएगा, ये इसका कैप है, तो सारा अभी सील्ड है, यही हमारा वो आउटडोर यूनिट है। ये देख रहे जियो, जियो का जो सेटअप बॉक्स हम लोग को देखने को मिलता है जो एयर फाइबर के साथ मिलता है, जो कि देख रहे हैं मेरा यहाँ यही सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, तो यही उसका ये इंटरफेस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जियो टीवी प्लस है, जो इसमें हम लोग का सारा चैनल मिल जाता है, जो कि देख रहे हैं यहाँ हम लोग का सारा चैनल मिल जाता है, न्यूज म्यूजिक स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट इमोशन, ये सारा 550 हम लोग को चैनल देखने को ये जियो एयर फाइबर के सेटअप बॉक्स पे मिल जाता है। और यहाँ सारा OTT एप्लीकेशन भी हम लोग को मिल जाता है, जियो सिनेमा, जियो सावन, जी फाइव है, यूट्यूब है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स और प्राइम जो है आपको 1199 के प्लान पे देखने को मिलता है, जो कि 100 Mbps का है, हॉटस्टार, सोनी लिव, इसी टाइप से ये काम करता है जियो का एयर फाइबर का सेटअप बॉक्स। तो ये आप लोग का कौन कौन सा टीवी में काम करेगा, तो ये जो आपका जिसमें HDMI पोर्ट हो, स्मार्ट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, जिसमें HDMI का पोर्ट होगा वो उसमें आपका ये सेटअप बॉक्स लग जाएगा। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या है कि हमारा स्मार्ट टीवी नहीं है, आपका स्मार्ट टीवी नहीं है उसके बाद भी ये आपका सेटअप बॉक्स लग जाएगा, आपके टीवी में HDMI पोर्ट होना चाहिए जिससे आपका भी टीवी ये स्मार्ट बन जाएगा। जैसा कि देख रही है हमारा मॉनिटर है, ये मॉनिटर में भी हमारा ये सेटअप बॉक्स क्या है कि हम लोग कुछ भी इसमें देख सकते हैं, हॉटस्टार, G5, सोनी, कुछ भी OTT हम लोग चला कर देख सकते हैं, यूट्यूब। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि आपका स्मार्ट टीवी नहीं, आप लोग सारा स्मार्ट नॉन स्मार्ट टीवी को भी स्मार्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।